हेलो गाइस, आप लोग कैसे हैं? मुझे उम्मीद है आप लोग अच्छे ही होंगे। तो चलिए, आज का हमारा टॉपिक है पॉलीनोमियल्स एडिशन। अगर आपने हमारा पिछला वीडियो नहीं देखा है जो कि इसका टॉपिक था पॉलीनोमियल्स इंट्रोडक्शन, तो प्लीज़ जाके आप उसे देख लीजिए ताकि आपको सब चीज़ समझ में आने लगे। तो चलिए हम अपने वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो अगर हमें एडिशन करने पहले सीखना है तो सबसे पहले हमें जानना पड़ेगा लाइक टर्म क्या होता है और अनलाइक टर्म क्या होते हैं। तो लाइक टर्म किसे कहते हैं, जैसे कि यहाँ मैंने ले लिया 3x और ये एक टर्म हुआ, और दूसरा टर्म क्या हुआ 4xy, यानी कि इसमें x है और इसमें x के साथ y है, तो यानी कि ये दोनों मैच नहीं हुए, ये अनलाइक टर्म हुए। अगर मैं इस तरह लिख देता 3xy एंड 4xy, यानी जो इन दोनों का ये दोनों मैच हो रहे हैं इससे, यानी लाइक टर्म है। कभी कभी लाइक टर्म कुछ ऐसे भी आ जाता है, जैसे कि 3yx एंड 4xy, कुछ ऐसे भी आ जाता है, पहले वाई बाद में एक्स। लेकिन अगर आपने मेरे पिछले वीडियो में वेरिएबल और कॉन्स्टेंट के बारे में पढ़ा होगा तो आप जान सकते हैं। अगर आपने नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं, मैं आपको फिर से बता सकता हूँ वेरिएबल क्या है एंड कॉन्स्टेंट क्या है। तो मैं आपको बता दूँ, वेरिएबल वो होता है जिसकी कोई फिक्स वैल्यू ना हो, जैसे कि एक्स। तो एक्स की कोई फिक्स वैल्यू है, जैसे कि एक्स को हम वाई भी लिख सकते हैं, जेड भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। और कॉन्स्टेंट क्या होता है, जिसकी कोई फिक्स वैल्यू हो, जैसे कि 7, ये 7, तो ये 7 ही रहेगा, कभी 8 नहीं बन पाएगा, नहीं 9 बन पाएगा, ये 7 है तो 7 ही रहेगा, ये चेंज नहीं हो पाएगा। उसी तरह आगे क्वेश्चन बेस्ड हैं, तो आप पीछे का वीडियो देख लीजिए। तो चलिए अब हम अपने क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्वेश्चन मिला है, जैसे कि 3x माइनस 5x प्लस 7x माइनस 2x, यानी कि ये हमारा क्वेश्चन। तो हम लोग इसे सॉल्व करने के लिए सबसे पहले लाइक टर्म करना पड़ेगा, ठीक है? तो जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा है, जैसे कि हम सिंपल एडिशन करते हैं यहाँ पे, ऐसे ऐसे एडिशन जो करते हैं उसी तरह हम लोग को करना है। तो चलिए हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। 3x माइनस 5x, ये एक हुआ, देन प्लस है तो यहाँ पे प्लस का सिंबल लगाएंगे, देन यहाँ पे देखेंगे इसका x, यानी कि ये और ये दोनों लाइक टर्म है, ये भी लाइक टर्म है, ये भी लाइक टर्म है, दो सब के पीछे x है, यानी सब आपस में ऐड हो सकते हैं, सब लाइक टर्म है। तो 7x मान लीजिए हम यहाँ लिख सकते हैं माइनस 2x, ठीक है? तो x को इसी तरह लिख देंगे, देन यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 2 है, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे अगर माइनस माइनस है, माइनस माइनस क्या हो जाते हैं, प्लस हो जाते हैं, और जो बड़े वाले का सिंबल होता है वो नीचे उतर जाता है। तो चलिए अब हम लोग इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा माइनस 7, क्योंकि ये प्लस हो जा रहे हैं, फिर ये x है तो x लिख देंगे, फिर 3 प्लस 7 10, तो हम लोग इसे लिख सकते हैं 10x माइनस 7, ये हमारा आंसर आ चुका है। तो चलिए अब हम एक और क्वेश्चन लेते हैं जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ, 18x स्क्वायर माइनस 7x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर एंड माइनस 5x स्क्वायर, ये
यानी ये सब तो लाइट टर्म वाले आ रहे हैं, अभी इससे भी हार्ड हार्ड वाले क्वेश्चन आएंगे। तो पहले आपको मैं इजी दिखा देता हूँ, फिर बाद में हम हार्ड करेंगे। तो इसे भी उसी तरह करेंगे, 8x² - 7x² देन प्लस 3x² माइनस 5x² तो चलिए इसे हम लोग अब सॉल्व कर लेते हैं। तो जैसे कि अब यहाँ पे ये करना है, पहले इधर का, आप इधर का भी, इधर से भी स्टार्ट कर सकते हैं, इधर से भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे दोनों x² है, तो ये हो जाएंगे x² एंड इसके बाद 7 और 5 ऐड होगा, कितना हो जाएगा यहाँ, क्योंकि यहाँ भी माइनस है और यहाँ भी माइनस है। तो मैंने पिछली बार बताया था आपको कि माइनस माइनस प्लस होते हैं और बड़े का सिंबल लग जाता है, तो बड़े का सिंबल माइनस है, यहाँ माइनस होगा। 7 5 कितना होता है, 7 5 होता है 12, तो यहाँ पर लिख देंगे 12, ये क्या आ जाएगा 12x². अब आगे चलते हैं, और 8 + 3 कितना होता है, 11 होता है, तो 11 और x² को उसी तरह लिख देंगे, ये हो गया हम लोग का आंसर। ये देख सकते हैं हम लोग का आंसर है 11x² - 10x². तो चलिए अब हम आगे चल लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो मैं एक आपको क्वेश्चन दिखाने जा रहा हूँ जो कि ये थोड़ा आपके लिए हार्ड लगेगा अगर आप शुरुआत में इसे सीख रहे हैं। तो 9 - 3x + y then x - 8 - 9y। तो इसे सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें इसे लाइक टर्म में करना पड़ेगा। अगर मैं इसे सिंपली लिख दूं तो कुछ ऐसा लिखेगा, ये मैं इसे लिख देता हूँ, तो -3x + y देन यहाँ पे प्लस लगेगा x - 8 - 9y। तो यहाँ देख सकते हैं कि ये दोनों तो प्लस हो जाएंगे, ये और ये प्लस नहीं होंगे क्योंकि यहाँ पे x नहीं है। तो क्या करेंगे हम लोग, 8 को इधर भेजेंगे और x को इधर भेजेंगे ताकि दोनों सेम हो। मैंने आपको शुरुआत बताया था लाइक टर्म के बारे में, तो यही है लाइक टर्म, यानी कि लाइक सबको करना है, लाइक में करके फिर इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए अब इसे हम लोग लाइक टर्म करते हैं, यहाँ पे इसे तब ऐसे लिखेंगे 9 - 3x + y देन यहाँ पे क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, यहाँ पे x हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, -9y जैसे पहले ही था। तो यहाँ पे प्लस है एंड माइनस है, यहाँ पे सिर्फ y नहीं है, यहाँ पे 1y है, बस लिखा जाता है कि y। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे सिर्फ y शो करता है। तो अब ये क्या करेंगे हम लोग, प्लस और माइनस है यानी ये आपस में घट जाएंगे, यहाँ पे प्लस का सिंबल है लेकिन यहाँ पे आपस में घट जाएंगे और यहाँ पे 1 है इसलिए क्या हो जाएंगे, घटने के बाद 8 हो जाएगा, 8y। अब हमें पता नहीं है कि यहाँ पे माइनस लगेगा प्लस, तो जिसके साथ बड़े के साथ जो भी सिंबल लगेगा वो नीचे उतर जाएगा, तो बड़े के साथ सिंबल क्या है, माइनस है, तो हम लोग यहाँ पे माइनस लगा देंगे। फिर क्या आता है, यहाँ पे समझ लीजिए 1x है, तो क्या होगा, माइनस माइनस प्लस होते हैं तो ये हो जाएगा 4x और बड़े का सिंबल क्या है, माइनस है, तो माइनस लिख देंगे, ठीक है। अब बात की आती है 9 8 कितना होता है, 17, तो हम लोग यहाँ पे 1 7 लिख देते हैं,
तो यहाँ देख सकते हैं ये मैंने ये भी क्वेश्चन सॉल्व कर चुका हूँ। तो चलिए अब हम आगे चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, जैसे कि मैं क्वेश्चन ले लेता हूँ, 11 यानी सॉरी 110 एक्स स्क्वायर माइनस 5x+6y(-5x+9)। ये मैंने एक क्वेश्चन ले लिया हूँ। अब चलिए इसे हम लोग ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 110x² एंड यहाँ पे ये वाला टर्म लिख देंगे, ये भी सेम है, तो 65x² फिर क्या है -10x, यहाँ पे है -5x, फिर क्या है 9 है, लेकिन यहाँ पे अब कोई दूसरा टर्म नहीं है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे +9 लिख देंगे। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे +9 लिखेंगे, माइनस माइनस प्लस होता है और जो बड़े के साथ सिंबल होता है वही नीचे उतरता है। तो बड़े के साथ कौन सा सिंबल है, तो बड़े के साथ माइनस का साइन है, तो ये हो जाएगा क्या -15x, ठीक है। और यहाँ पे x² को x² लिख देंगे, उसके बाद यहाँ पे प्लस करेंगे तो 5 एंड यहाँ पे 175x²-15x+9, ये हमारा आंसर है। तो चलिए अब हम आगे चलते हैं और इसी भी हार्ड हार्ड क्वेश्चन सीखने की कोशिश करते हैं। तो चलिए मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ, जैसे 4y एक मिनट फर्स्ट आई रेज दिस क्वेश्चन। तो यहाँ पे अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ, जैसे कि 4y³-8y²+y-14, ये एक है, देन प्लस है, देन 19y³ देन -16y² - y - 7, ये है एक अलग टर्म। तो चलिए अब हम लोग इसे आगे ले चलते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे भी ये सेम है और ये सेम है, ये सेम है और ये सेम है, ये और ये है सेम और ये है सेम, ये सब क्या है सेम सेम है। तो इन लोग को एक साथ लिखेंगे, जैसे कि 4y³ के साथ 19y³ लिखेंगे, देन -8y² के साथ -16y² लिखेंगे, और उसके बाद क्या करेंगे +y के साथ यहाँ -y लिखेंगे, और फिर क्या है यहाँ पे -14 के साथ -7 को लिखेंगे। अब इन सब को क्या करेंगे, इन सब को जब ऐड करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस, और बड़े का साइन यहाँ पे लग जाएगा। तो चलिए ये हमारा क्या आंसर होगा, यहाँ पे 7+4 11, कैरी 1 1, यहाँ पे हो जाएगा 2 21 -21, वाई
प्लस और माइनस दोनों है, जैसे कि वन प्लस है और वन माइनस है, अगर इन दोनों को ऐड किया जाए तो ये दोनों ये जीरो आ जाता है एंड जीरो। तो यहाँ पे भी कुछ नहीं, यहाँ पे भी जीरो आ जाएगा, समझ लीजिए। ठीक है, तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, यहाँ पे गैप छोड़ देंगे या फिर जीरो भी लिख सकते हैं, गैप भी छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद वाई स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर यहाँ भी माइनस यहाँ भी माइनस दोनों ऐड हो जाएंगे और जो इस जो बड़ा होगा उसका साइन आ जाएगा। ये क्या हो जाएगा, 16 प्लस 8 कितना हो जाएगा, यहाँ पर जाएगा 4 कैरी 1 2 24 वाई स्क्वायर। और फिर आगे चलते हैं तो वाई क्यूब को वाई क्यूब लिखेंगे, उसके बाद 19 प्लस 4 कर देंगे कितना हो जाएगा 23 वाई क्यूब 24 वाई स्क्वायर देन माइनस 21। ये हमारा आंसर का, सॉरी यहाँ पे माइनस रहेगा क्योंकि यहाँ का सिंबल, मैं यहाँ का सिंगल सिंबल लिखना भूल गया था। तो अब हम एक और क्वेश्चन करते हैं, ये क्वेश्चन भी बहुत ही बड़ा होने वाला है, तो प्लीज़ आप लोग इसे देखते रहिए और ध्यान से समझते रहिए। तो चलिए अब मैं इसे क्वेश्चन को लिखने वाला हूँ। 1 प्लस बी प्लस बी स्क्वायर माइनस बी क्यूब माइनस बी टू पावर 4 माइनस देन सॉरी यहाँ पे गलती से गया, यहाँ पे फिर प्लस क्या हो जाएगा 2 प्लस 2b देन प्लस 4b स्क्वायर माइनस 27b क्यू एंड माइनस 16b द पावर 4 देन प्लस करेंगे फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पे पहले b फिर प्लस 5 प्लस 3b स्क्वायर माइनस बी 4 प्लस 8b क्यूब। ये कुछ ऐसा है, आप लोग इसे हम लोग ऐड तो कर नहीं सकते हैं, जैसे 8b क्यूब है यहाँ पे 16b ये है, ये अलग अलग है, ये दोनों तो सेम है लेकिन ये डिफरेंट है। तो इसे क्या करेंगे हम लोग, इसे हम लोग भी इस सेम करेंगे। तो चलिए अब हम लोग इसे क्या कर लेते हैं, इसे भी सेम कर लेते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे शो कर रहा होगा तो हमें इसे भी सेम कर लेता हूँ, मैं इसे वापस से रीराइट करने वाला हूँ। इधर से यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये यहाँ पे ये देखिए, सॉरी यहाँ पर आप ये चीज़ देख सकते हैं, ये सेम नहीं है। तो अब हम लोग इसे क्या करेंगे, इसे सेम करेंगे। तो चलिए अब हम लोग इसे सेम कर लेते हैं, इसलिए मैं पूरा प्रोसेस वापस से दोहराने वाला हूँ, इसलिए मैं अब इस पिक को डिलीट करने वाला हूँ। तो इस पिक को मैंने डिलीट कर दिया, अब मैं इसे वापस से लाऊँगा, 1 प्लस बी प्लस बी स्क्वायर माइनस बी क्यूब माइनस बी टू पावर 4 देन प्लस है 2 प्लस 2b देन क्या है प्लस 4b स्क्वायर माइनस 27b क्यूब देन क्या है यहाँ पे माइनस 16b टू पावर 4। फिर एक जो हमारा अनसेम था उसे भी मैंने सेम किया, क्या हो जाएगा 5 प्लस बी प्लस प्लस 3b स्क्वायर यहाँ पर माइनस बी 4 हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे लास्ट बचता है प्लस 8b
क्यूब। अब ये है, अब इसे हम लोग क्या करेंगे, इसे हम लोग सॉल्व करेंगे। तो जैसे कि यहाँ पे बी द पावर 4 है, -16 बी पावर 4, यहाँ पे -b द पावर 4, यानी ये सब सेम है। ये सब जब सेम है तो क्या करेंगे, यहाँ पे भी माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस, माइनस 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 सब प्लस होते हैं। तो चलिए अब हम लोग इसे क्या करेंगे, इसे प्लस कर लेंगे। तो चलिए मैं इसे प्लस कर लेता हूँ। तो गाइस अब जैसे कि यहाँ पे -b है और यहाँ पे -16 भी है, तो अगर यहाँ पे माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है और बड़े का सिंबल नीचे आ जाता है, तो ये क्या होगा, यहाँ पे -17 बी द पावर 4, ये हो गया। आप यहाँ पे -17 बी द पावर 4 को अगर -b द पावर 4 को ऐड करेंगे तो यहाँ भी -b द पावर 4, यहाँ पे समझ लीजिए 1 है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, माइनस है, ये भी माइनस है, तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा और माइनस का साइन आ जाएगा, तो ये हो जाएगा -18 बी द पावर 4। तो आप समझ चुके होंगे ये कैसे होगा। तो चलिए मैं इसे अब डायरेक्टली लिख देता हूँ बिना कोई देर किए, ये जगह -18 बी द पावर 4। तो चलिए अब हम आगे चलते हैं और समझते हैं कि आगे भी कैसे होगा। तो उसी तरह ये सब भी हैं, माइनस और माइनस, ये सब क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा ये -b द पावर क्यूब एंड ये हो जाएगा -27 बी और बी क्यूब है, ठीक है। तो ये भी माइनस, ये भी माइनस, क्या करेंगे इन दोनों को, प्लस कर देंगे और माइनस का साइन लगा देंगे, तो ये हो जाएगा -28। तो चलिए अब हम लोग इसे आगे करेंगे, करने की कोशिश करते हैं। तो -28 को अगर प्लस 8 सॉरी हाँ तो चलिए प्लस 8 बी के साथ अगर हम लोग इसे ऐड कर दें तो कितना होगा। तो अगर प्लस और माइनस जब भी साइन आते हैं तो हमेशा माइनस होता है, क्या होता है, हमेशा माइनस होता है, और जिस जो सबसे बड़ा होता है उसी का साइन लिखा जाता है आंसर में। तो बड़ा तो ये है, तो इसका मतलब आंसर में पक्का है कि माइनस आएगा। तो फिर माइनस कर देंगे तो कितना आएगा, 20 बी क्यूब आ जाएगा। तो चलिए अब हम लोग इसे आगे यहाँ पर लिख देते हैं, 20 -20 बी क्यूब। तो चलिए आप लिख देते हैं -20 बी क्यूब। तो चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं, यहाँ पे सब प्लस है तो सब को प्लस कर देंगे, 5b² यहाँ पे 1 समझ लीजिए, यहाँ पे 1 है, 1b² 4b² यानी 5b² हो गया, प्लस 3b² क्या हो जाएगा, 5 + 3 कितना होता है, 8 होता है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, +8b² और ये चलिए अब ये करते हैं, ये भी सब प्लस है तो इसे भी सब प्लस कर देंगे, तो यहाँ पे 1 समझ लीजिए, 1 भी है, 1b प्लस 2b 3b हो जाएगा, 3b प्लस b, यहाँ पे सिंबल एक b है, सिंगल b है, तो यह क्या हो जाएगा, हम लोग इसे सब लिख देंगे 3n, ये हो जाएगा हम लोग का 4, यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग 4b लिख देंगे। फिर क्या है, यहाँ पे सिंपल ये तो सबसे आसान है, 1 + 2 3 3 + 5 8। तो आप ये देख सकते हैं कि हमने ये इतने बड़े क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है जो कि बहुत ही मुश्किल है। तो अगर आप भी इस तरह से और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन घंटी को दबाना ना भूले, क्योंकि लिए नोटिफिकेशन आप उसी से पाएंगे। तो चलिए हम अगले वीडियो को मिलते हैं जल्दी। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।